सुबह सुबह हम लोगों का यहाँ पे बैल्कनी अभियान चल रहा है। तो ये जो एक रॉड पाइप रखी है ना, रेन वाटर का पाइप है, मतलब ऊपर से जो जाएगा वो जाता है क्या छत से? हाँ, रेन वाटर का पाइप है। एक पेड़ ऐसे स्पेशली मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट ना सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर जाता है ना, तो अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैंने अभी तो ये बॉटल पे ऐसे ही एक लगाया था दूसरे पेड़ से कट करके, तो ये इतना बड़ा हो गया है। इसको यहाँ पे बांध दिया है, ये काफी बड़ा हो गया है। तो फिर वो उसके सपोर्ट से धीरे 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 ये अच्छा भी लगेगा देखने के लिए। सुबह सुबह हमारे खिड़की पे कौन आया है, देखिए कितना सुंदर एक बड़ा सा पैरेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक। और आज है संडे और संडे सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। संडे ही सबसे ज्यादा काम होता है मंडे टू संडे के बीच में। तो कल था सैटरडे और सैटरडे कल हम लोग गए थे मंथली ग्रोसरीज लाने। हमारे विंडो पे पहले बहुत सारे आते थे पैरट्स, बट अभी थोड़े कम हो गए आना। तो आज विंडो बंद था इसलिए थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए क्लिपिंग्स। इतने बड़े बड़े पैरट्स जिनका जो टेल है ना वो एकदम ऐसा सीधा, इतना सुंदर सुंदर पैरट्स आते हैं। तो पहले जब हम इस फ्लैट पे नए नए आए थे तब बहुत पैरट्स आते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है पैरट्स। लेकिन वही हम लोग इधर उधर जाते हैं तो पाल भी सकते हैं बर्ड, लेकिन कभी हम लोग जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तब उसको क्या करेंगे यही सोच के हम कोई पेट मतलब पालते नहीं है। पेट मतलब बर्ड्स, बाकी कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट टाइम, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी और ब्रेकफास्ट क्या है आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी। और मिष्टू वहाँ पे कर रही है मैथ्स की तैयारी क्योंकि कल है उसका मैथ्स एग्जाम है। और मिष्टू को ना कल इवनिंग से थोड़ा सर्दी सर्दी थ्रोट पेन ऐसा हो रहा है। मिष्टू के छोटे से इस बॉटल में मैं गर्म पानी बना के रखती हूँ जब उसको थोड़ा थ्रोट पेन होता है। मैं यहाँ पे चटनी बना के रखी हूँ, नारियल, पीनट्स मतलब मूंगफली और थोड़ा सा इमली। तो बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बना के रखी हूँ। अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ सरसों, ये उत्तपम का बैटर है। ऑनियन है, धनिया पत्ता काट के रखी हूँ, ऑनियन और ग्रीन चिली। बस इसको ऐसे ऑनियन उत्तपम बनाते हैं और कुछ नहीं डालना है। ऑनियन थोड़ा ज़्यादा डालना है। एक सूखी लाल मिर्च तड़के पे, इसमें दे रही हूँ सॉल्ट, अभी तक सॉल्ट नहीं मिक्स किया है। और मैंने यहाँ पे दूसरा पैन बिठा दिया है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ। और यहाँ पे मिष्टू को ऑलरेडी मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट, वो खा रही है। ये अनुरोध का है और दी दिए छी बाबाई। आफ्टर ब्रेकफास्ट मिष्टू का शावर लेना हो गया। मिष्टू एकदम फ्रेश होके आ गई है और बाबाई ने मिष्टू को बना के दिया है पोच। ये बाबाई का स्पेशल पोच है, इसको फोल्ड कर दिया है, लेकिन ये खाने में तो अच्छा बना है। देखिए चलो खा लो। हिमालय का सेप्टिलिन बोल के एक आयुर्वेदिक एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी वाला एक मेडिसिन है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, कोई भी पी सकता है, ये बच्चों के लिए है और ये ना कोई प्रिस्क्रिप्शन वाला नहीं है। मतलब मैं मिष्टू को देती हूँ अगर हल्का ठंडा लगे या वेदर चेंज हो, थोड़ा गले में खराश या नाक से सर्द पानी आए, तो ये इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है इन्फेंट्स नहीं तो चिल्ड्रन, तो ये बहुत अच्छा है। मिष्टू को मैं ये देती हूँ, देखिए मतलब जब भी थोड़ा सा उसको सर्दी खांसी हल्का ये होता है मैं इसको ये देती। मस्कमेलन लाए थे कल, ये मीठा है मस्कमेलन। और सब हो गया है पूरा मुंह के अंदर, अभी ये लास्ट एक पोच का जो मेन है वो बाकी है और वो जा रहा है मिष्टू के मुंह के अंदर और मैं कर रही हूँ रनिंग कमेंट्री। प्लेटें नहीं है ना पूरे जावे, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना ये मिष्टू को बहुत, मिष्टू को क्यों, मिष्टू की मामा पापा को भी पसंद है। पुटोटा गोले गोले पोर्चे खा लो तुम अपने हिसाब से। दुनिया के सबको पसंद है, सब नहीं, जो वेजिटेरियन है उनको नहीं पसंद, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको ही पसंद है। इतना सारा सामान लाया था, इस बैग में भी है
तो कल रात से ही ऐसे ही पड़ा है, किसी को घुसाया नहीं है। क्यों इतना सारा सामान थोड़ा ज्यादा लाई हूँ वो आप लोगों को थोड़े दिन बाद कल के वीडियो में बताऊंगी क्यों इतना सारा ज्यादा सामान है लाए हैं हम ग्रोसरीज इस महीने। उसके साथ साथ ना ये कलर मैजिक ये ना गुलाल है, तो ये इको फ्रेंडली गुलाल है, इसके अंदर 5 शेड्स है कलर के, और ये ना इको फ्रेंडली है और इतना हल्का है और स्किन को बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो ये फिर से लेके आए होली के लिए। महाबलेश्वर में मैप्रो का हर एक चीज मिलता है, चॉकलेट फलेरो फिर जैम जेली सब कुछ है, ऑरेंज क्रश ये बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलता है, स्ट्रॉबेरी मैंगो पाइनएप्पल। तो कल मैं लाई हूँ मैप्रो का ऑरेंज क्रश तो इसको पानी में सिर्फ मिलाओ, जैसे हम रसना पीते हैं ना बिल्कुल वैसा है। हर एक समर पे हमारे घर पे एक से तो होता नहीं है, एक दो आता है। और ये दोनों ये है ड्रेनिक्स ड्रेन क्लियर करने के लिए की बाबू बोल तो ये है ड्रेनिक्स, तो ड्रेन में अगर कुछ चोक होता है मतलब सिंक में हम खाना वाना कुछ अगर जाता नहीं है फिर भी बाई चांस, तो ये एक पैकेट डाल देने से ना वो पूरा क्लीन हो जाता है। वहाँ का पूरा सामान सब समेटना हो गया है। अभी ना ये क्रॉकरी सेट में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 सेट छोटे वाले जो कप होते हैं ना पहले के जो सॉसर के साथ, तो मैं रेगुलर बेसिस पे जो माइक्रोवेव के बोल्स है ना ऐसे बोल मेरा एक सेट में रखती थी, तो इसमें बड़ा वाला जो है वो तो पॉसिबल नहीं है और इतना सारा सामान सब निकाली हूँ अंदर से, तो इसको थोड़ा यहाँ रख रही हूँ ताकि मुझे ईजी हो, और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे हैं उनको इनके अंदर रखती हूँ। फ्राइडे को मिशू को जो उसकी दीदी का बर्थडे था मैंने वीडियो पे दिखाया भी था उसको सबको मतलब सब बच्चों को मिला सेम ये अल्सा है ना बोल फाइबर का है, ये 3 जन है बट अभी हम और लोग आने मतलब और ज्यादा लोग होने वाले हैं घर पे, इसलिए ये सब बर्तन मैं थोड़ा नजदीक नजदीक रख रही हूँ ताकि मुझे सर्विंग में या कुछ चीज पे प्रॉब्लम ना। सैटरडे था और मैंने फ्राइडे को स्कूटी स्कूल पे ही रखे में आई थी आप लोगों को मैंने बताया था, तो कल सुबह सो के उठ के देख रही हूँ कि 7 बजे और अनुरुद यहाँ से मिश्रू के स्कूल पैदल गए वॉकिंग, क्योंकि वो करते ही है लेकिन थोड़ा ज्यादा ही वॉक कर लिया कल। यहाँ से मिश्रू का स्कूल 3 किलोमीटर है हमारे घर से। मैं ऐसे थोड़ा डेट्स भी लाई हूँ खजूर, हम लोग तो खजूर बोलते हैं खजूर हिंदी में और इंग्लिश में डेट्स। मिर्ची भी फ्राई करूंगी इसलिए मैंने बेसन लिया है, यहाँ बेसन लिया है, बेसन में थोड़ा हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर सॉल्ट दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, ये 2 मिर्ची बहुत दिनों से फ्रिज में घूम रहा है इसलिए इसको फ्राई कर देती हूँ, राइस के साथ दाल के साथ अच्छा लगेगा। तो फिश फ्राई करने से पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ फिर मैं फिश फ्राई करूंगी। तो आज हमारा लंच है राइस, उसके साथ ये जो मिर्ची था वो फ्राई की हूँ, मिष्टू खाएगी हाफ बोल रही है, रखो यहाँ पे फिश फ्राई है और फिश फ्राई हो रहा है पैन पे, यहाँ पे है दाल और यहाँ पे है आलू कुंदरू टमाटर और ऑनियन से एक फ्राई। हाँ तो आज यही है हमारा लंच, करो मिष्टू फिश दे दूँ, गर्म है। तो हमारा लंच बहुत पहले हो गया था और अभी बच गए हैं 4:45 और बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, और सारा दोपहर चला मेरा और मिष्टू का पढ़ाई, मिष्टू का कल मैथ्स एग्जाम है इसलिए उसको थोड़ा क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप रट्टा नहीं लगा सकते, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, तो मिष्टू को भाई मैथ्स प्रैक्टिस करा रही थी, तो अभी उनको मेजरमेंट्स फिर मनी फिर किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर वो सब है, और कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही रहती है जितना भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, और जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसमें रसगुल्ला आएगा, लड्डू आएगा बड़ा बड़ा गोल गोल, आप लोगों को भी मैं शेयर करूंगी। এখানে 400 × 100 করলে কত হয় তো 40,000 হয়ে যাবে, 4 মিটার কি করে হলো।
ये एक लाइट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो कि इतना बड़ा है, दौड़ जला लो। तो इस लाइट का साइज देखिए, मतलब आप डेट देखेंगे आपको पता चलेगा जब अनिरुद्ध ने खरीदा था, 28 सितंबर 2013 और मिष्टू बॉर्न हुई है 25 सितंबर 2013, मतलब मिष्टू के जन्म के 3 दिन बाद ये लाइट खरीदा गया था, जो कि अभी वहाँ थोड़ा एक हफ्ता ऐसे यूज हुआ था ना, उसके बाद अभी इतने साल बाद आज निकल रहा है। जंबो साइज, ये जलता है कि नहीं? हाँ। अरे बाबा इना ये पावर कमेगा छे, सिर्फ 2 ट्यूब जल रहा है इसका, इसलिए सिर्फ 2 ट्यूब जल रहा है। लिफ्ट में फेशियल तो चीज गुलो मेल्ट होएगा छे। और यहाँ पे है मिष्टू, मैं अनिरुद्ध और मिष्टू थोड़ी देर के लिए हम नीचे गए थे, मतलब सोसाइटी के अंदर ही थे, थोड़ा वॉकिंग किए, फिर हम अभी घर आ गए। और मिष्टू को भी थोड़ा सा ना गले में खराश ऐसा हो रहा है, थ्रोट पेन अभी और नहीं है, नहीं थ्रोट पेन नहीं है, डिनर खिला के दवाई खिला के उसको सुला देना है, हम लोगों को भी सो जाना है। तो सुबह से ये वीडियो स्टार्ट की हूँ और आओ कुछ बोलना है तो मिष्टू पढ़ के थक गई मैथ, कल है मिष्टू का लास्ट एग्जाम, बाद मिष्टू मैं दोनों फ्री 15 दिन के लिए। मैंने ये टी शर्ट पहना था जिसमें मेरा और अनिरुद्ध का दोनों का पिक है, तो ये टी शर्ट मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ क्योंकि जितना ज्यादा पहनूंगी उतना ज्यादा धोना पड़ेगा और जितना ज्यादा धोना पड़ेगा वो उतना जल्दी कपड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए कम पहनती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय। और महंगा ना, बाय बाय।